भारती, ये मेरे पति है मिस्टर हर्ष लिम्बाचिया। मैंने अभी बोला भारती जी, गुजरात जी, अभी बोला गुजरात से, लेकिन पैदा इधर ही हुए थे मुंबई में। तो ये इस शो के इकलौते होस्ट हैं, मैं नहीं हूँ। आप ये मत कोई लिखे मत कि भारती भी होस्ट थी। मैं सिर्फ अपने पति को सपोर्ट करने आई हूँ। मैं शूटिंग पे भी जाती हूँ सपोर्ट करने, और यहाँ भी आई हूँ सपोर्ट करने, क्योंकि सोनी वालों ने रूम भी दिया था। मैंने बोला इतना बड़ा रूम दिया तो फिर होना ही चाहिए, बीवी साथ में है ना। अरे जरूर जरूर जरूर। लेकिन भारती थैंक यू सो मच, अब मैं होस्ट करूँ क्योंकि शो में भी यही हो रहा है। तो बेटा मैं हर्ष में शूटिंग पे क्यों आती हूँ कि तू कुछ लाइनें ऐसी ना बोले, कैमरे की तरफ आंखें। मैं इतने सारे होस्ट किए ना, मैंने शो इतने बने भी नहीं है जितने मैंने किए हैं। मतलब कैमरे में आंखें, इनसे डरना नहीं, आंखें मिला के इनसे बात करनी है, क्योंकि आज ये सिर्फ हमारे लिए आए हैं। इनको ये भी पता है कि बाहर पकौड़े बन चुके हैं, फटाफट खत्म करके पकौड़े भी लेने हैं। तो ये मेरे पति है, इकलौते होस्ट इंडिया बेस्ट डांसर के। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। और मैं फिर बता देती हूँ, बड़ी मेहनत की है हर्ष ने, क्योंकि इतना बड़ा शो पहली बार मिला है अकेले होस्ट करने के लिए। तो 12 सिटीज में हम गए थे ऑडिशन के लिए, मैं इनके साथ ही गई थी। इतनी मेहनत की है इन्होंने, एक एक घर का दरवाजा खटखटा के पूछा है यहाँ कोई डांसर है तो आइए, है ना हर्ष? सबको, मतलब मैंने बैनर तक लगाया दिल्ली में, बड़ी मेहनत की है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक सोलो होस्ट है, उसे बोलने का मौका नहीं मिल रहा है यहाँ पर। मतलब मैं यार तुम्हारा साथ दे रही हूँ हर्ष। हाँ हाँ साथ है। देखो तुम कम आते हो ना टीवी पे, अगर जैसे तुम कम बोलोगे थोड़ा ऐसे रहोगे तो ये बोर हो जाते हैं ये लोग, ये पहले ही चापेंगे। हर्ष ने काफी बोर किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो इसीलिए मैं आ गई बीच में। तो गाइज बहुत बढ़िया शो है, बहुत अलग शो है। बहुत सारे सवाल थे लोगों के कि इस शो में अलग क्या है। हमने इतनी पास से डांसर देखे, हमारे लिए तो अलग ही है। जी हाँ, और मैं बताना चाहूंगा कि आप सबके जो सवाल है कि शो अलग कैसे है, तो आई थिंक बोलना काफी नहीं है, दिखाना बेहतर है। हाँ जी हाँ जी। तो चलते हमारे पहले परफॉर्मर की तरफ, जिनका नाम है सोनल एंड शी इज फ्रॉम मुंबई। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए बुला लेते हैं इस शो के तीन मजबूत पिलर्स को, यानी कि हमारे जजेस को, जिनको हम कहते हैं ENT स्पेशलिस्ट। जी वो क्या है वो जजेस ही बताएंगे, तो बुला ले। जी बुला लेते हैं। प्रेशर कुकर से भी ज्यादा हॉट, ओ प्लीज वेलकम मलाइका अरोड़ा। मैं आपको पहले बता देती हूँ कि ताली कम क्यों बज रही, क्योंकि आधे लोगों ने कैमरा पकड़ा हुआ है, ताली मारेंगे तो कैमरा गिर जाएगा ना। इसीलिए मैंने देखो आप लोगों का बोल दिया, अब पता चला। चलिए ले लीजिए फोटो फटाफट। मनोज भाई बड़े खुश हुए ऐसे कैमरा नीचे रख के ताली बजा रहे हैं। माइक छोड़ के अच्छा लाइए जी, बहुत भारी। हाँ ये जिम्मेदारी। हर्ष जी बहुत पढ़ाई कर रहे हैं। थैंक यू। आपका टेस्ट लग रहा है। बहुत कार्डियो कर रहे थे। गीता मैम, गीता मां, आप कुछ कहना चाहते हैं? आप मुझे डांटना बंद करेंगी? आई विल ट्राई। आप नहीं डांटेंगी, प्रॉमिस कीजिए। आदत हो गई आपने इतने सालों से, आपने मुझे डांस सिखाया, आप तो बदला ले रही हैं आप। तो बदला लेना ही है ना, इतना आपने मुझे डांटा है। पहली बार हो रहा है कोई शो पे कि मलाइका मैम मुझे डांट रही है, मैं डर गई हूँ इनसे। चुप झूठी। अब मत पूछना नया क्या होगा, ये होगा।
बता दें? बता दो प्लीज. नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीबॉडी. इंडियाज बेस्ट डांसर, बहुत जल्द 29 फरवरी आ रहा है. हम ढूंढ रहे हैं बहुत सारी नायाब चीज़ें. मैं ढूंढ रही हूँ कुछ नया, कुछ फ्रेश, सम न्यूनेस एंड एक नया अंदाज डांसर्स में. मैम गीता, थैंक यू वेरी मच. गुड इवनिंग एवरीबॉडी. ऑब्वियसली सब यही सवाल पूछते कि नया क्या है, आप इस साल क्या कर रहे हैं, आप फिर से जज बनकर आए. बट द ट्रूथ इज़, इस किस्म का शो मैं पहली बार कर रही हूँ. इट्स प्योर डांस. मैंने कभी जज नहीं किया है. सेलिब्रिटी शोज मैंने जज किया है. सो इट्स फील्स रियली नाइस कि इंडियाज बेस्ट डांसर्स के बेस्ट मूव्स मैं खुद लाइव देख रही हूँ स्टेज पर, और दो वेरी वेरी अमेजिंग जजेस मेरे साथ जो बैठे हैं यहाँ पे. आई एम लर्निंग अ लॉट फ्रॉम देम ऑल्सो. सो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल दैट एक्सपर्टीज दैट यू आर शेयरिंग. और इस किस्म के डांसर्स जो कर रहे हैं हमारे मंच पर, आई थिंक काबिले तारीफ है. आई एम वेरी वेरी अमेज्ड, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड. सो थैंक यू सोनी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. आप न्यूनेस ढूंढ रहे हैं, मैं एंटरटेनमेंट ढूंढ रही हूँ. आई एम पार्ट ऑफ द एंटरटेनमेंट बिजनेस. तो अगर एंटरटेनमेंट नहीं है तो लाइफ इनकम्प्लीट है, एकदम फीका हो जाता है बिना एंटरटेनमेंट का. सो मैं एंटरटेनमेंट ढूंढ रही हूँ. आप क्या ढूंढ रहे हैं भाई साहब? क्योंकि मेरी इंडस्ट्री जुड़ी है बच्चों को सिखाने के लिए और उनको एक प्रशिक्षित डांसर बनाने की, तो इसलिए प्रशिक्षित डांसर मतलब ट्रेन्ड डांसर, टेक्निकली साउंड डांसर. तो मैं ढूंढूंगा कि उनकी टेक्निक कितनी अच्छी है. एक अरसा हुआ जब हम शोज जज करते थे तब नौसिखिए आते थे और उनको हम बनाते थे डांसर. लेकिन आज की जो पीढ़ी है, उनको कहते हैं मिलेनियल पीढ़ी, वो बहुत कुछ सीख कर आते हैं खुद. और इट्स एन इंटरनेट जनरेशन. 10 साल के बाद बहुत सारा चेंजेस हुआ है. ये भी है कि बहुत सारे शोज हुए हैं, लेकिन ये एकमात्र शो होगा जहां पर हम सोलो डांसर को ही इस शो का हिस्सा बनने का मौका देंगे. और बहुत टाइम हुआ जहां पर सिर्फ सोलो डांसर्स के साथ ही वो भिड़ेंगे. जनरली शोज में ऐसा होता है कि वो ग्रुप डांसिंग होता है या डुएट्स होता है या ट्रायल्स होते हैं, लेकिन ये एकमात्र शो होगा जहां पर यंग युवा पीढ़ी जो है, ये वो वाला शो होगा जहां पे सिर्फ यंग डांसर्स मतलब 15 और 30 साल के बीच में ही अगर वो डांसर्स हैं वो इस शो का हिस्सा बन सकते हैं. वो बच्चों के साथ नहीं भिड़ेंगे, वो बुजुर्ग के साथ नहीं भिड़ेंगे, वो ग्रुप्स के साथ नहीं भिड़ेंगे. तो दैट इज वाई आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ये एकमात्र शो होगा जहां पर सोलो डांसिंग पर अहमियत दी जाएगी. एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू बी इंडियाज रियली द बेस्ट डांसर. क्योंकि जब आप ग्रुप डांसिंग में डांस करते हो तो कहीं ना कहीं आपकी बहुत सारी खामियां छिप जाती है, बिकॉज एक ग्रुप डांसर के साथ आप बहुत कुछ छिपा सकते हैं. लेकिन एक सोलो डांसर जब डांस करता है तो हर मूव्स उसके दिख जाते हैं. अगर उसने एनर्जी एक स्टेप में भी डाला है और दूसरे सब अच्छे किए, हम वही स्टेप पर नजरअंदाज नहीं करेंगे. सो आई थिंक जो लेवल ऑफ डांसिंग आप पाते हैं सोलो डांसर में, वो आप कोई दूसरे डांसिंग ग्रुप्स में नहीं देख सकते. एंड दैट इज वाई दिस इज गोइंग टू बी इंडियाज बेस्ट डांसर. बहुत मजा आया, बिल्कुल बहुत मजा आया. अच्छा बोला. कितनी मेहनत कर रहे हैं बेस्ट डांसर ढूंढने में. और टेरेंस सर तो इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं, मुझे ना कभी कभी मैं ऐसी निकल रही है, बट मैं कभी 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 बहुत इमोशनल हो जाती हूँ. बैक टू बैक हमारा शूट था और आज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ. सर एक मिनट पीछे हो, ये देखो माइक के निशान अभी भी हैं. आप सोचिए हमने डे नाइट कितना शूट किया है, ये वाला माइक लगता है, इसके निशान अभी भी हैं. तो आप ये सोचिए कि हमारे कितनी मेहनत करते हैं. चलिए हमारे मीडिया के पास बहुत सारे सवाल है जो पूछने हैं. उससे पहले एक पिक्चर ले लेते हैं और उसके बाद सवाल जवाब करेंगे. ठीक है, तो आइए आशीष सर. अच्छी होनी चाहिए.
अभी भी तीन तशरीफें रहती है भाई। आइए सर इधर। नहीं नहीं हम इधर ही।